Hello friends, how are you all? I hope you all are fit and fine. So in today's lesson, we are going to learn again regarding classified advertisements. बहुत लंबी रेंज है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स की, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती है और करीब करीब वो सारे जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो आपके सिलेबस में है. टुडे आई हैव टेकन ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉस्ट एंड फाउंड. आपको अगर याद हो तो जो नोटिस हमने बनाया था उस नोटिस में भी एक लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी थी. तो वो नोटिस के फॉर्मेट में हम लोगों ने लिखा था और वो थोड़ा पर्सनल नेचर का था क्योंकि हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं. अब ये थोड़ा सा हटकर है बिकॉज क्लासिफाइड एड है, तो वो उसके फॉर्मेट में जाएगा और थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज होगा. इसमें फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी चीज़ें करीब करीब वही रहती है. सो लेट्स सी हाउ टू ड्राफ्ट लॉस्ट एडवर्टाइजमेंट. लेट अस सी. ऑलरेडी आई रिटर्न लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी का है ये, एंड दिस मे बी योर क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. हाउ इट इज, सपोज यू लॉस्ट योर बैग कंटेनिंग सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स समवेयर ऑन द रोड व्हाइल कमिंग होम फ्रॉम कलेक्ट्रेट, ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. आपको समझ में आ गया होगा, इसमें यह कहा गया है कि मान लो कि आपने अपना बैग खो दिया है और कहाँ खोया, एक लोकेशन है कि भाई कलेक्ट्रेट और शिवाजी नगर सर्किल के बीच का जो रोड है वहाँ कहीं गिरा है, ऐसा आपको लगता है. कब गिरा है? कल. कल का मतलब मान लो कि 23rd May, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या डेट लिख सकते हो साथ में. वैसे भी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया यस्टरडे करके, इतना बड़ा इशू नहीं है. तो वो हम देखते हैं कि कैसे बनाना है. तो हेडिंग क्या होना चाहिए? लॉस्ट. एक बार भी लिख सकते हैं, मैंने तीन बार लिखा, थोड़ा ट्रेंडी है ये. और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिए हैं, ये भी ट्रेंड है, उसके बिना भी आप लिख सकते हो. क्या खोया, वो चीज़ आनी चाहिए. यहाँ तो मैंने एक बैग के लिए बनाया, आपको कुछ भी खो सकता है, उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड इस प्रकार से दे सकते हो. तो चलो, एक बैग खोया, किस प्रकार का बैग था? तो ब्लैक था, लेदर बैग था. वॉज लॉस्ट यस्टरडे, ये पेसी फॉर्मेशन में लिखा हुआ है पास्ट सिंपल के. यस्टरडे 23rd May 2020. सो ये पहली लाइन हो गई, ए ब्लैक लेदर बैग वॉज लॉस्ट यस्टरडे 23rd May 2020. एक काला चमड़े का बैग खो गया 23 मई 2020 को बिटवीन कलेक्ट्रेट एंड शिवाजी नगर सर्किल. ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको इन्वेंट करना होता है, उसमें कई बार प्रश्न में दिया भी हो सकता है और कई बार नहीं भी दिया हो सकता है. If it is given, well and good, you have to just copy from that, and if it is not given, then you have to invent your own. अगर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो आपको खुद इस बारे में सोचकर एक location आपको create करना है. Containing some important documents, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसके अंदर, ऐसा आपने लिखा है. अब वो बैग के अंदर जो चीज़ है वही दिखाना, अगर यहाँ दस्तावेज है तो दस्तावेज दिखा रहे हैं. अगर कुछ और आपको देते हैं एग्जामिनेशन में कि ये खो गया है, उस बैग में ये था, कैश मनी था, ज्वेलरी थी, जो भी है वो आप कंटेंट में दिखा सकते हो, जनरल चीज़ है ये. अब वो डॉक्यूमेंट्स में क्या थे? ड्राइविंग लाइसेंस था, आधार कार्ड, पैन, वोटर आई डी एट्सेट्रा. इसका मतलब आप कलेक्ट्रेट गए थे कुछ ऐसे काम से जहाँ पर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए थे, और जब घर लौट रहे थे उस बीच में कहीं ये गिर गया, वही मतलब है इसका. अब हमें क्या करना है? हमें ये लिखना है, दिस इज फॉर्मल वे टू रिक्वेस्ट समवन. फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट. मिलने वाले को प्रार्थना की जाती है कि इसे लौट आए. टू द एड्रेस गिवन बिलो, जो नीचे एड्रेस दिया गया है. कॉमा लगा सकते हैं या यहाँ फुल स्टॉप करके ये लाइन को आप नीचे ले सकते हैं, जैसा आप समझें. ही विल बी सुटेबली रिवार्डेड, मतलब उसको उचित इनाम दिया जाएगा. अब जो भी आपको लगता है कि भाई इसने मेहनत की, आने जाने का जो खर्चा उठाया वगैरह, जो भी आपके श्रद्धा में आया, जो मन में आया, आप दे सकते हो. ये एक फॉर्मल वे है लिखने का कि उसे उचित इनाम दिया जाएगा. कॉन्टेक्ट आपने लिख दिया, अपना नाम जो भी है आपका नाम होगा उस वक्त, या तो मैंने इन्वेंट करके लिखा है, एड्रेस भी इन्वेंट करके लिखा है, और मोबाइल नंबर तो मस्त है. तो इस प्रकार से आप ये सारी सूचनाएँ देकर अखबार के अंदर आशा कर सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट समवन टू रिटर्न इट टू यू.
So it's very important for day-to-day life also, for academic cities there. It keeps on coming in examination. Again, this is going to fetch you 4 marks. अगर ये आ जाता है तो 4 marks का है, तो आप सोच सकते हो कि अगर आपका लक अच्छा है और अगर ये आता है तो इट इज़ सो ईजी टू कंसीव एंड टू क्रिएट एंड ड्राफ्ट. सो कीप प्रैक्टिसिंग, आप इसको प्रैक्टिस करते रहें. आई होप यू विल लर्न सो क्विकली. सो प्लीज़ कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोज रेगुलरली एंड टेल अदर्स ऑल्सो टू वॉच. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय फॉर द डे.